नमस्कार यादव जी के तवेला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद चौधरी और आज हम बात करेंगे यादव जी से दिवाली के बारे में। यादव जी, हाई कोर्ट ने दिल्ली में इस बार दिवाली में बम पटाखे फोड़ने पे बैन लगा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है? घंटा जो ही फैसला है या उत्तर कोरिया और अमेरिका जो है अपना टारगेट का जो प्रदर्शन करने के लिए जो परमाणु बम फोड़ने के लिए तैयार है, यहाँ हमारा देश में जो है बम पटाखा पर जो बैन लगा के जो अपने टारगेट को जो है दबाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई भी बयान अब तक इस बारे में नहीं आया है, आपको क्या लगता है? वो क्या बोलेगा, वो तो खुद जो है एक नंबर का जो काम चोर है और तो खुश है कि दिवाली का अगला दिन जो है धूपा में जो है उसको सर में जो है टोपी लगाकर हाथ में जो है झाड़ू लेकर जितना जो बम पटक्का का जो कूड़ा कचरा है वो साफ नहीं करना पड़ेगा उसको। बिहार में इस प्रकार की कोई भी रोकथाम नहीं है तो आप तो अपनी दिवाली धूमधाम से मना ही सकते हैं। बम पर नहीं है ना जी, दारू पर है ना, और पर्व त्योहार का मजा तब आता है जब साथ में जो है दारू और मेहरारू होता है और खाली चखना पर दिवाली मनेगा। यादव जी, पिछली दिवाली में आप सत्ता में थे और इस बार दिवाली आते आते आप विपक्ष में आ गए, क्या इस बात का मलाल है आपको? कहे नहीं मलाल होगा जी, पिछला साल जो है नेतृसभा जो है मिठाई बम पटाखा सब जो है इतना लेके आया था, सबको जो हम दिल खोल कर जो अपना कार्यकर्ता सबका बांटे थे, आई बार जो है चस्का तो लग गया, आई बार नीतीशवा तो देगा नहीं, आई सब जो है हमको अपना घोड़े से लगेगा। अच्छा यादव जी, दिवाली में घटी कोई ऐसी घटना जिसने आपको कोई सबक या सीख दिया हो? हाँ, एक घटना है जिससे हमको बहुत ज्ञान मिला। पिछला साल जो है दिवाली के बाद जो हम घूमने टहलने निकले, अब जैसे घूमने गए तो देखे एक तो छोटा सा बच्चा जो है एक तो बोतल में जो है एक रॉकेट डाल के जो है आग लगा दिया और रॉकेट जो है हुर्र से ऊपर गया जो है और ऊपर जाकर जो है फूट गया। तब हम उससे एक चीज सीखे भाई कि अगर जिंदगी में ऊपर जाना है तो बोतल का सहारा लेना पड़ेगा भैया। दोस्तों, यादव जी के तवेला की पूरी टीम के तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।